युगों युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और इस सभ्यता में प्रचलित अनगिनत कहानियां। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे संस्कार संस्कृति इनका उद्गम कहां से हुआ, आजादी के पीछे भी कितनी अनकही गाथाएं होंगी, और आज जो हम एक स्वतंत्र सबल और सक्षम देश हैं, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। इन सभी कहानियों की गवाही देती है हमारी हर धरोहर। तो क्या जरूरी नहीं कि इन धरोहरों को संजो के रखा जाए? क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें जाने और इन पर गर्व करें? है ना? पर क्या कोई है जो ये जिम्मा उठा रहा है? क्या कोई है जो इन्हें वो सम्मान दे रहा है जिसकी ये हमेशा से हकदार थी? नमस्कार, मैं काम्या जानी ले जा रही हूँ आपको एक नए भारत के सफर पर, जहाँ इसकी आत्मा, इसकी संस्कृति, अध्यात्म और सभ्यता को नए सिरे से सहजा जा रहा। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक देखेंगे भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण की कहानी। ढोलावीरा से लेके पुराने किले तक जुड़ेंगे प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ, और अंडमान निकोबार से लेकर दिल्ली तक नमन करेंगे उन नेशनल हीरोज को जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं सतयुग से। ये कहानी है ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की। ये तब की बात है जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी के ऊपर क्रोधित होकर ज्योति स्तंभ का रूप लिया, और उस स्तंभ की ज्योति धरती पर जहाँ जहाँ पड़ी उन स्थानों पर आज हम शिव जी के ज्योतिर्लिंग को देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं श्री सोमनाथ महादेव। देश के एंशिएंट और प्रोमिनेंट मंदिरों में से एक, एन आर्किटेक्चरल मार्वल, द फर्स्ट ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, दिस इज सोमनाथ धाम। ये मंदिर रेजिलियंस की कहानी कहता है, भारत की कहानी कहता है। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का ध्वज गर्व से लहराता है। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए, और अब इस स्पिरिचुअल सेंटर को प्रसाद स्कीम के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिली है जो आने वालों के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाएंगे। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बल दिया है। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बना है। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, शायद कुछ 17-18 बार तोड़ा रहेगा। आज ही इस मंदिर में आके इसका ये विराट रूप देख के, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज, सच में बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रसाद स्कीम के वजह से आजकल भक्तों को दर्शन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटीज है, पर मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि इनके पास एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आके सभी टूरिस्ट तैयार हो सकते हैं, एकदम आसानी से और आराम से दर्शन हो जाता है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, 70 साल पहले सरदार भाई पटेल का जो सपना था सोमनाथ को लेकर, उसको पूरा किया। सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है ये हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनर्निर्माण है। प्रसाद
Prime Minister Modi has also laid the foundation of a grand Parvati temple, which is right next to the main temple. In this newly renovated Somnath Dham, एक 1.5 किलोमीटर लंबा world class promenade बनाया गया है, जिसकी एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है समुद्र दर्शन. सोमनाथ मंदिर का ये ग्रैंड अवतार रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बढ़ते आत्मविश्वास को, हमारी रीअवेकन्ड स्पिरिट. जब दुशाणा असुर ने तबाही मचाई, उससे लड़ने के लिए महादेव ने महाकाल का रूप धारण कर लिया. चलते हैं उस भूमि पर जहां महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे. स्कंद पुराण हो या कालिदास का मेघदूत, महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन हर जगह बड़े डिटेल में मिलता है. आउट ऑफ ऑल 12 ज्योतिर्लिंगास, ओनली हियर द शिवलिंग फेसेस साउथ, सिग्निफाइंग द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ. हर साल लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इतने लोगों को संभालने के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था. A lot of congestion made the pilgrimage a daunting task. लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस धाम का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया. महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है, शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है. जय जय महाकाल. अब यहाँ है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, चौड़े रास्ते, एल्डरलीज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंपस में है खाने पीने की व्यवस्था और भी बहुत कुछ. साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए हर इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर के आगे टेक्नोलॉजी को पिरोया गया है. आज से पहले भी 2 बार तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पर इस बार का जो माहौल है वो कुछ और ही है. व्हाट आई एम सीइंग, इट्स फेनोमिनल. भीड़ तो आज भी लगी रहती है, लेकिन दर्शन के लिए ज्यादा देर किसी को रुकना नहीं पड़ता, सब फटाफट हो जाता है. महाकालेश्वर धाम आकर सच में ऐसा लगता है जैसे समय और मृत्यु से परे भी एक शक्ति है, जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहती है. जय महाकाल. सतयुग की ही बात है, जब भगवान श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मां सती के मृत शरीर को 52 टुकड़ों में बांट दिया. तब धरती पर जिन जिन जगहों पर मां सती के अंग गिरे, वहां एक एक शक्तिपीठ मौजूद है, जिनमें से एक है पावागढ़. पावागढ़ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है. 15 सेंचुरी में गुजरात के छठे सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया और यहाँ 500 सालों तक ध्वजा नहीं लहरा पाई. लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर को सवारा और 500 साल बाद यहाँ फिर से ध्वजा लहराई.
सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है, ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। माँ काली माता की जय। माता सती ने माँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर शिव जी ने माँ पार्वती के साथ जहाँ अपना घर बसाया वो स्थान है काशी। वही काशी जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसका रास्ता केवल एक जगह पर ही मिल सकता है, बनारस। यहाँ बसते हैं हमारे जग के दाता श्री काशी विश्वनाथ। मंदिर के चारों ओर इतनी संकरी गलियां, गंदगी और अव्यवस्था हुआ करती थी कि श्रद्धालुओं का तीर्थ यात्रा पवित्र मन से करना दूभर हो जाता। अगर ये आज की पीढ़ी को हमें दिखाना है तो कहीं गंदगी के पास इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था है तो भी हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वही देख करके ही वो जो देखना चाहिए वो छूट जाता है। गांधी जी ने भी 100 साल पहले काशी की अव्यवस्था की ये समस्या व्यक्त की थी, जो आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से सॉल्व हो गई। इस प्रोजेक्ट को 32 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत काशी का ऐसा कायाकल्प हुआ कि इसे मिला वो ग्रैंड अवतार जिसका काशी विश्वनाथ धाम हमेशा से हकदार था। अब काशी मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ा है, जिससे अब डिवोटीज रिचुअल्स के मुताबिक डायरेक्टली गंगा स्नान के बाद यहां से जल लेकर भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। 20 फीट चौड़े कॉरिडोर के साथ मंदिर को अपना एक ग्रैंड कोर्टयार्ड भी मिला है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से इस ऐतिहासिक और पौराणिक टेंपल को मिली है वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, जो देश के स्पिरिचुअल कैपिटल काशी को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी बनाएगी। ये तब की बात है जब सरजू किनारे सूर्यवंशी दशरथ के यज्ञ से जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम का, जिनका नाम हर दिल में बसा है। चलते हैं उनकी पवित्र जन्मभूमि पर मोक्षदायिनी श्री अयोध्या पुरी। सोचते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा माता पिता की सेवा करना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां उठाना या दोस्तों का साथ निभाना, ये सब हमारे जहन में क्यों है? इन मूल्यों की नींव रखी भगवान श्री राम। सत्य के अवतार श्री राम ना सिर्फ एक आदर्श पुत्र, पति या भाई थे, वो एक संपूर्ण मानव जीवन के प्रतीक थे। और आज हिंदुस्तान दुनिया भर में अपने इन्हीं वैल्यूज के लिए जाना जाता है। भगवान राम ने अयोध्या पर कई सालों तक राम राज्य चलाया, जो कि आज भी एक आदर्श और सुनहरा काल माना जाता है। इस राज्य में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा, लोगों के प्रति इतना प्रेम कि आज भी कई भारतीय परिवार अपने बच्चों का नाम राम से जोड़ना पसंद करते हैं।
ताकि उन बच्चों में भी वो वैल्यूज आए। इसके बावजूद इतने सालों तक रामलला के लिए यहाँ कोई मुख्य मंदिर नहीं था, पर अब ये स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। अयोध्या में बन रहे इस ग्रैंड मंदिर का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्रभु श्री राम को उन्हीं के जन्म स्थान में उचित सम्मान देना। पांच अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर भूमि पूजन करके इस पावन कार्य की शुरुआत की। शायद ये भगवान का आदेश ही था कि अयोध्या का ये कार्य भी उन्हीं के हाथों से पूरा हो। एकर्स में फैला हुआ ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 160 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर होगा गर्भगृह और फर्स्ट फ्लोर पर प्रभु श्री राम का दरबार बनाया जाएगा। इस खूबसूरत मंदिर को बनता देख मन से एक ही आवाज निकलती है, जय सियाराम। और अब हम आरंभ करते हैं द्वापर युग की वो महागाथा जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांचों पांडव चारों तरफ हुए मृत्यु के तांडव से बहुत दुखी थे। इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को ढूंढना शुरू किया ताकि उनके आशीर्वाद से उनका मन शांत हो सके। तब महादेव ने उन्हें यहीं इसी स्थान पर दर्शन दिया। बर्फ की सफेद चादर में ढका, पहाड़ों से गिरा और 11,657 फीट की ऊंचाई पे बना ये मंदिर भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं स्वयंभू सदाशिव। 2013 की भयानक बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि लैंडस्लाइड से यहाँ के घर, बिल्डिंग्स और दुकानें पानी में बह गए। 6,000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई। हालांकि केदारनाथ के मुख्य शिवलिंग डैमेज होने से बच गई, पर बारिश और लैंडस्लाइड ने इसके कैंपस को काफी नुकसान पहुंचाया। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि इस मंदिर का दोबारा खड़ा हो पाना अब मुश्किल है। 2013 में केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना की मांगों को पूरी तरह अनदेखा किया गया था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों की आस फिर से जागी, क्योंकि इन पहाड़ों से मोदी जी का नाता पुराना है तो ये स्वाभाविक था कि उन्होंने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए विकास किया जा रहा है ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने दिशा निर्देश से और अच्छे कार्य से मंदिर समिति को और रास्ते को बहुत ही सुलभ बना दिया है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र दिया केदारनाथ धाम का नया रूप दर्शाता है नए भारत को, जो अपनी पहचान को न सिर्फ अपना रहा है बल्कि उस पर गर्व भी कर रहा है। अगर वृहद स्तर पर देखें, अगर ये महसूस करें कि ये क्यों हुआ, ये परिवर्तन क्यों हुआ, तो आप पाएंगे कि ये
किसी भगवान के भक्त का ही काम हो सकता है। युग बदलते हैं और साथ ही बदलती हैं हमारी विचारधाराएं, जो जन्म देती हैं नई सभ्यताओं को। और एक ऐसी ही महान सभ्यता के अवशेष आज भी इस शहर में देखने को मिलते हैं। आज मैं जहां हूं, ये उन जगहों में से एक है जिसकी वजह से हमारी कंट्री मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहलाती है। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के सबसे बड़े शहरों में से एक था। रिसर्च बताती है कि धोलावीरा शहर को एक प्री ज्योमेट्रिक प्लान के मुताबिक बनाया गया था। ये शहर 3 डिविजन्स में ऑर्गेनाइज था, सिटेडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और यहाँ उस वक्त भी डिफेंस सिस्टम, गेटवेज, बिल्ट अप एरियाज, स्ट्रीट सिस्टम्स, स्टोन बिल्ट वाटर सिस्टम्स, वेल्स और लार्ज ओपन स्पेसेस की सोफेस्टिकेटेड फैसिलिटीज मौजूद थी। धोलावीरा के लगातार होते रहे एक्सकवेशन से इंडस सिविलाइजेशन के बारे में काफी नई इंफॉर्मेशन सामने आई। लेकिन वाटर शॉर्टेज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी जैसे प्रॉब्लम्स की वजह से दिस प्लेस वॉज लूजिंग इट्स लस्टर। इतनी हिस्टोरिकल जगह को गुजरात के बाहर लोग जानते तक नहीं थे। तब श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर कच्छ की काया पलटने का जिम्मा लिया। मैं जब धोलावीरा देखने गया था और वहां की बारीकियों को वहां के लोग जो समझा रहे थे, 5000 साल पहले ऐसी विरासत, वहां की एक एक ईंट, एक एक पत्थर इन सिंधु संस्कृति की परंपरा के उन महान सपूतों के पराक्रम की गाथा कहता है। कच्छ को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देकर एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। आज प्रॉपर प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज और कनेक्टिविटी मिलने से हमारे हेरिटेज का ये पिलर इंडिया के ग्लोरियस पास की कहानी बताने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि इसे 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया। इन्हीं सभ्यताओं से जन्म लिया अनेक साम्राज्यों ने, और जब चारों तरफ युद्ध का तांडव मच रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने इस भूमि से एक पावन कार्य का शुभारंभ किया। मैं हूँ एक्चुअली करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो है अमृतसर से अबाउट 50 किलोमीटर दूर। अब इस जगह की खास बात यह है कि टर्मिनल की उस तरफ है पाकिस्तान, जहाँ है वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। आज सरहद पार स्थित इसी जगह से सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने लंगर की शुरुआत की थी। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इसी भूमि पर बिताए। इसी भूमि पर गुरु ग्रंथ साहिब के कई हिस्से लिखे गए। इंडिक रिलीजन्स में सिख धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 2019 से पहले सिख श्रद्धालुओं के पास बस दो ही रास्ते थे। 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लाहौर के रास्ते एक कॉम्प्लिकेटेड वीजा प्रोसेस के थ्रू गुरुद्वारे जाना, या फिर डेरा बाबा नानक में बने व्यूइंग पॉइंट से इसकी झलक पाकर मन महसूस कर रह जाना। बदलाव ये आया कि आज 4.2 किलोमीटर लंबे करतारपुर कॉरिडोर से एक दिन में लगभग 5000 भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं और अपनी आस्था का मान रख सकते हैं। बिना किसी स्टैम्प के ऑन माय पासपोर्ट हम जा सकते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, विच इज इन पाकिस्तान। करतारपुर कॉरिडोर की नींव प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 26 नवंबर 2018 को रखी थी और इसका उद्घाटन किया 9 नवंबर 2019 को। बहुत बढ़िया लगा है, अभी अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छी तरह से जा सकते हैं। परमात्मा के अरदास करते असीं, परमात्मा लेके आए असीं, दर्शन किए महाराज ने सानू आप बुला लिया। वो जो गुरु के फरमान है
ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। करतारपुर दर्शन को सुलभ करने की मांग आजादी के समय से चली आ रही है, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पर आज मोदी जी के इन्हीं प्रयासों से देश के विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु, खासकर सिख श्रद्धालु, अपनी तीर्थ यात्रा सहजता से पूरी कर पा रहे हैं। भारत, वो सोने की चिड़िया जिस पर हर किसी की नजर थी। यहाँ जो भी आया उसने भारत को बेदर्दी से लूटा, पर अब ये लूटी गई धरोहर गर्व से वापस लेकर एक जगह सुरक्षित रखी जा रही है। चलते हैं पुराने किले की ओर। ये दिल्ली के मशहूर फोर्ट्स में से एक है और यहाँ के सेंट्रल एंटिक्विटी कलेक्शन में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके बारे में जानकर आपको बहुत गर्व होगा। क्या आपको पता था कि इंडिया की कई सारी मूर्तियां और एंटीक्स दूसरे देशों में इलीगली स्मगल होती आई हैं? 2014 से लेके अब तक हम 229 मूर्तियां भारत वापस ला चुके हैं। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा से ही इंडियन कल्चरल हेरिटेज को जीवित रखना चाहते हैं। इस गैलरी में 400 से ज्यादा प्राचीन वस्तुएं हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर मॉडर्न पीरियड तक के हैं। इसमें कई सारी मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग और कॉपर आर्टिफैक्ट शामिल हैं। भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में समाज जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो स्टैंडिंग इमेज ऑफ श्रीदेवी हो फ्रॉम चोला डायनेस्टी या फिर स्टैंडिंग बुद्धा, इन दोनों एंटीक्स को यूएसए से वापस लाया गया है। ब्रह्मा ब्राह्मणी का मार्बल स्कल्पचर जो गुजरात के ओपन म्यूजियम में चुराया गया था, उसे यूनाइटेड किंगडम से रिकवर किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं सब मूर्तियों की प्रोटेक्शन और प्रेजर्वेशन का काम देखती है और म्यूजियम को क्यूरेट करती है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि सारी स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स अपनी मातृभूमि में वापस आ सके, ताकि जिन मूर्तियों की हम कहानियां सुनते आ रहे हैं उन्हें देख और महसूस कर सके। सतयुग से लेकर कलयुग तक इतनी कहानियां जुड़ी हैं हमारे मंदिरों से, हमारी धरोहरों से, और हर एक में छुपी है सदियों की सीख। 20वीं शताब्दी, यही है वो समय जब गांधी, बोस, पटेल, अंबेडकर जैसी महान विचारधाराएं हमारे देश में प्रचलित हुई और कुछ इस तरह से कि आज हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश हैं। चलिए देखते हैं कि आजादी के इन वीरों को अब देश कैसे नमन कर रहा है। 20वीं सदी में जब भारत की आजादी का संग्राम लड़ा गया, कईयों ने अपनी आवाज उठाई पर उनकी आवाज को दबा दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, भाई परमानंद, बटुकेश्वर दत्त, दीवान सिंह, कई ऐसे नाम जिन्हें कम ही लोग जानते हैं और कई ऐसे नाम जिन्हें कोई नहीं जानता। इन्हीं सेल्स में कभी वो फ्रीडम फाइटर्स रहा करते थे जो देश के लिए यहाँ की अमानवीय परिस्थितियों में जिए और मरे। उस अपराध के लिए जिसे देश प्रेम कहते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसे पढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी। अंडमान निकोबार पर सेल्यूलर जेल ऐसे ही खंडहर पड़ा रहे तो देश की नई पीढ़ी को हमारे पूर्वजों ने क्या यातनाएं झेली थी कैसे पता चलेगा। इस जेल में 396 सॉलिटरी सेल्स हैं, 3 फ्लोर्स और 7 विंग्स।
जो फ्रीडम फाइटर्स हंगर स्ट्राइक करते उन्हें फोर्स फीड किया जाता। इनफैक्ट कई क्रांतिकारियों की मौत की वजह थी ड्राउंड इन मिल्क। यहाँ के ऑयल मिल्स क्रांतिकारियों के शरीर को ही नहीं आत्मा को भी तोड़ते थे। कभी 87 वीरों को एक साथ फांसी दी गई तो कभी टॉर्चर करने के नए तरीके आजमाए गए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानना जितना जरूरी है उतना ही उसे संजोना भी जरूरी है, क्योंकि उन वीरों ने अपने सुख दुख की चिंता ना करते हुए यहाँ के गलियारों में इन ह्यूमन पनिशमेंट सही, लेकिन वो हारे नहीं, झुके नहीं। वे अंग्रेजों के जुल्म से लड़ते रहे। इन बलिदानियों में सबसे ऊपर नाम है विनायक दामोदर सावरकर का, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ आकर श्रद्धांजलि दी। अब आज सेल्युलर जेल का पुनर्निर्माण हुआ, टूरिस्ट जाते हैं तो वो प्रेरणा लेकर के आते, अच्छा जिस आजादी का सांस मैं ले रहा हूँ, मेरे आजादी के सांस के लिए इन लोगों ने इतना कष्ट झेला था, उनको प्रेरणा मिलती है। पोर्ट ब्लेयर में सिर्फ सेल्युलर जेल की ही नहीं, एक वक्त पर रॉस आइलैंड कहे जाने वाले आइलैंड की भी एक दिलचस्प कहानी है। भारत के इतिहास की बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हमेशा आता है। His contribution towards the freedom of India has been huge. पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसने एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड्स को आजाद करवाया इन द ईयर 1942, यानी भारत की आजादी से 5 साल पहले। जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाया, उसे आजादी के 7 दशकों बाद 30 दिसंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। नेताजी की इस विरासत को सम्मान देते हुए इस नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नेताजी की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नाम बदलकर उन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रख दिया। और इस तरह इन द्वीपों को गुलामी के प्रतीकों से आजादी मिल गई। अब हम आजादी के इतिहास का सबसे दुखद पन्ना पलटने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां आज से करीब 100 साल पहले भारत की रूह को दहलाने की कोशिश हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को दो फ्रीडम फाइटर्स के अनफेयर अरेस्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई भीड़ को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। जनरल डायर के ऑर्डर पर जलियांवाला बाग की सिंगल एग्जिट को पूरी तरह ब्लॉक किया गया और फिर ब्रिटिश सोल्जर्स ने बिना किसी वार्निंग के यहां मासूमों की लाशें बिछा दी। ये शर्मनाक हादसा इंडियंस की स्पिरिट को तोड़ने के लिए ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। इस दीवार पर आज भी बुलेट मार्क्स के निशान हैं, जो जनरल डायर ने बिना किसी वार्निंग या अनाउंसमेंट के बेकसूर हिंदुस्तानियों पर चलवाई थी। लेकिन आज उसी जगह को कुछ यूं संजोया गया है जो हमें अपने इतिहास को लेकर सेंसिटाइज करे। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 2021 में पीएम मोदी जी ने जलियांवाला बाग स्मारक का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत इस साइट को प्रिजर्व किया जा रहा है। जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। शहीदी कुएं को बेहतर लॉन्जिटिविटी देने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास से घेरा गया है। सेल्वेशन ग्राउंड पर हम शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कोट्स इंग्रेव किए गए हैं।
4 गैलरीज बनाई गई हैं, जो आने वालों को उस समय, उन लोगों और उस एहसास से जोड़ती है जिसे इस जमीन ने जिए। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, जिन्होंने न सिर्फ भारत को अपनी लड़ाई लड़ना सिखाया बल्कि पूरी दुनिया को जीने का एक नया मार्ग भी दिखाया। इनके बारे में जानने के लिए इससे बेहतर स्थान क्या हो सकता है। बापू ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज, और ये जगह बापू के संदेश का आईना है। साबरमती आश्रम यानी हमारे बापू का घर, और ये वही आइकॉनिक जगह है जहां 1930 में उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की। आज देश में उनके आदर्शों का अनदेखा विस्तार होता दिखता है, चाहे वो बापू का स्वच्छ भारत का सपना हो या रूरल इंडिया के अपलिफ्टमेंट का, नया भारत आज उसे जी रहा है। तो ऐसे में बापू की लेगेसी क्यों पीछे रह जाए? और दांडी का उल्लेख तो पढ़ते हैं कि 1930 में दांडी भारत की आजादी के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। तो दांडी कहाँ था, क्या था, क्या हुआ था, उसको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। और इसी जज्बे के साथ 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जिसके तहत साबरमती आश्रम के अंदर और आसपास के 63 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को रीडेवलप किया जाएगा। एम्फी थिएटर्स, मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस होकर ये आश्रम एक वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनेगा, where guests can have an immersive experience and get a glimpse into his simple living and high thinking. हमने कई क्रांतिकारियों और वीरों के बारे में पढ़ा है, पर शायद इतिहास में कुछ अहम नामों का जिक्र रह गया। ये कहानी ऐसे ही एक नाम की है जिनके बिना शायद आज का भारत कुछ ऐसा दिखता। जब हिंदुस्तान की नाजुक हालत है तब हमें क्या करना है? इस नाजुक हालत में हमें हमारी सरकार, हमारी हुकूमत है, उसको ठीक नहीं करेंगे और उसको साथ नहीं देंगे तो हमको नुकसान होगा। भारत के 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट कर यूनियन बनाने वाले इस चहीते नेता का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। But today, he stands 597 feet tall as a constant reminder of his contributions, grit and nationalism. Shri Narendra Modi ne 2013 mein Gujarat ke CM ki taur par Statue of Unity project ki announcement ki thi. Aur October 2018 mein unhone PM ki taur par iska inauguration ki. Aaj jab dharti se lekar ke aasman tak सरदार साहब का अभिषेक हो रहा है, तब भारत ने न सिर्फ अपने लिए एक नया इतिहास भी रचा है बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का गगनचुंबी आधार भी तैयार किया। जनता की इस नायक की स्टैच्यू बनाने में प्राइम मिनिस्टर ने जन भागीदारी की मुहिम चलाई। हम पूरे देश में हर जिले में ये लोहे का औजार एकत्र करने का अभियान चलाना चाहते हैं। गुजरात के हर कोने से लोगों ने लोहा दान किया जो इस स्टैच्यू में इस्तेमाल हुआ, और जितने प्यार से प्रधानमंत्री ने इस स्टैच्यू को देश के नाम किया उतने ही प्रेम से लोगों ने इसे अपनाया भी। इस स्टैच्यू के लिए जब लोग हमारे गांव में आए थे लोहा मांगने के लिए, तब हम सभी ने इस स्टैचू के लिए लोहा दान किया था। आटलो विशाल स्टैचू आटली जल्दी बनी जैसे खरेखर मने विश्वास नहीं थी रही, बहुत सारू लागे छे। तमे कोई पण बिजनेस कियो, अहीं बद्दा ने ज फायदो थयो छे। रियल एस्टेट बिजनेसेस हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन का धंधा हो या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो, एक छोटा सा फूल का भी धंधा होगा ना,
हर किसी को यहाँ पे मुनाफा मिला है। और इसकी ओपनिंग के पहले ही 11 दिनों में 1,28,000 टूरिस्ट आए थे और बाय नवंबर 2019 डेली एवरेज ऑफ टूरिस्ट वॉज 15,000, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं ज्यादा। अब हम आ गए हैं ऑन द 45th फ्लोर ऑफ द स्टैच्यू व्हिच लिटरली फील्स लाइक द हार्ट एंड सोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका हमेशा से ही एक सपना था कि यहाँ एक डैम बने, बट 1950 में उनका देहांत हो गया जिस वजह से उनका ये सपना पूरा ना हो सका। बट टुडे हिज ब्यूटिफुल स्टैच्यू इज फेसिंग द सरदार सरोवर डैम व्हिच फील्स लाइक अ परफेक्ट ट्रिब्यूट टू दिस लीडर। दूर से तो ये स्टैच्यू बहुत ही ह्यूज दिखता ही है, बट पास आकर यू रियलाइज व्हाट एन इंजीनियरिंग मार्वल दिस इज और कितनी डिटेलिंग और हार्ड वर्क से इस ब्यूटीफुल स्टैच्यू को बनाया हो। ४९४७ में हमें आजादी तो मिल गई, पर एक आजाद देश को भी एक व्यवस्था की जरूरत होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान के रूप में ये व्यवस्था प्रदान की, पर क्या आप जानते हैं उनके तीर्थ के बारे में? बाबा साहब भारत के संविधान को रचने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, एक महान स्कॉलर जिनकी लीगल, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज देश की आधी आबादी और वंचित वर्ग के अपलिफ्टमेंट की नींव बनी। बाबा साहेब का व्यक्तित्व और योगदान इतना विराट है कि ही इज सीन एज द ट्रू सिंबल ऑफ इक्वालिटी। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें लोग सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि पूछते भी हैं। नए भारत का ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुष के मैमथ कंट्रीब्यूशन को उचित सम्मान दें। हमारे जो पूर्वज थे वो एकदम नीचे पड़ाव में थे, लेकिन बाबा साहब की वजह से उनको उठाया और उनके वजह से हम भी आज सूझबूझ में घूमते हैं। तो उनके जो उपकार हमारे जीवन में है, हमारे समाज में है, वो अपरंपार है। यही विजन लेकर पीएम मोदी ने उनकी लाइफ के 5 इम्पोर्टेंट प्लेसेस को पंच तीर्थ बनाने की घोषणा की। इस महापुरुष ने हमें बहुत कुछ दिया। एक प्रकार से समाज ने अपना कर्ज चुकाना है, ये कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास। वो जगह जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली और जहाँ उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस बना। ये उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जगहें हैं जिनका मॉडिफिकेशन और प्रेजर्वेशन किया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, बाबा साहब को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और इस कमरे में उनकी इस्तेमाल की गई सारी चीजें, फर्नीचर से लेकर बुक्स तक, सारा कुछ रिक्रिएट किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल भी डेवलप किया गया है that represents the constitution of India and symbolizes empowerment through education. 3.25 acres mein phaile aur 3 story unche is center ka uddeshya hai baba sahab ke us sapne ko pura karna jo unhone azad bharat ke liye dekha tha. Desh ke social aur economic muddon pe research se lekar implementation tak ka sara kaam yahan pichle vargon ke utthan ko dhyan mein rakhte hue hota hai. एक ऐसे महापुरुष जिनके साथ बचपन से भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना संघर्ष जारी रखा। ये पंचतीर्थ एक जरिया है बाबा साहेब की लाइफ को ट्रिब्यूट देने का और उनके कामों को सेलिब्रेट करने का। आजादी का ये सफर आसान नहीं था, इसे पाने के लिए अनगिनत बलिदान दिए गए। अगर आजादी एक हक है तो एक जिम्मेदारी भी,
पर ये जिम्मेदारी हम पूरी कैसे करें? अपनी जिंदगी को देश के नाम कर देना इतना आसान होता होगा क्या? ताजुब की बात है कि इतने सालों तक इन वीरों को समर्पित कोई स्थान नहीं था। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इनॉग्रेटेड दिल्ली के रेड फोर्ट के प्रमाइसेस में बना क्रांति मंदिर समर्पित है उन्हीं सभी फ्रीडम फाइटर्स को जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। क्रांति मंदिर 5 म्यूजियम्स का एक कलेक्शन है जिनमें शामिल है हमारे नेताजी के बचपन से लेकर उनके स्वतंत्रता संघर्षों तक उनके महान जीवन की पूरी कहानी। याद जलियां म्यूजियम समर्पित है जलियांवाला बाग मैसेकर में शहीद हुए भारतीयों को और वर्ल्ड वॉर 1 के वीरों और उनके बलिदानों को। ब्रिटिश राज को 1857 की दी पहली चुनौती के संघर्ष की कहानी कहता है म्यूजियम ऑफ 1857। इंडिया की 3 सेंचुरीज के आर्ट और कल्चर को गर्व से दर्शाता है दृश्य कला म्यूजियम। इनके अलावा क्रांति मंदिर में है आजादी के दीवाने, एक डिजिटाइज्ड म्यूजियम जो समर्पित है उन क्रांतिकारियों को जिनका नाम इतिहास में हमेशा रहेगा। क्रांति मंदिर एक कोशिश है हमें ये याद दिलाने की कि हमारी आजादी की कीमत कितनी बड़ी है और किन लोगों ने चुकाई है। और वो नौजवान जिन्होंने देश प्रेम की सांसें भरकर अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उनका सम्मान करना कैसे भूल सकते हैं? लेकिन आजादी के 70 सालों बाद भी हमारे देश में अपने जाबाजों को समर्पित कोई वॉर मेमोरियल नहीं था। इसे बदला पीएम मोदी जी ने 2019 में जब उन्होंने नई दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर देश प्रेम को एक नई दिशा दी। आज हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया। हमारे वीर सेनानियों ने मां भारती के कण कण की रक्षा के लिए जीवन आहुत कर दिए। ये बलिदान सिर्फ नाम मात्र से पता नहीं होता है, उसकी भव्यता दिव्यता की अनुभूति करानी होती है। आजादी से लेके अब तक हजारों जवानों ने देश के लिए अपनी जान दी है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है उन्हीं वीरों को उचित सम्मान देने के लिए। ये मेमोरियल एक चक्रव्यूह के थीम में बनाया गया है जिसमें 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अमर चक्र की अमर ज्योति दर्शाती है हमारे शहीदों के अमरत्व को। वीरता चक्र में है 6 ब्रॉन्ज म्यूरल्स जो भारतीय जंगों की कहानी कहती है। त्याग चक्र के ग्रेनाइट टैबलेट्स पर स्वर्णिम अक्षरों में उन वीरों के नाम है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की है। और पेड़ों से घिरा रक्षा चक्र समर्पित है उन्हें जिन्होंने हमारी और देश की रक्षा की है। पर इस मेमोरियल की सबसे खास बात है यहाँ की नेक्स्ट ऑफ किन सेरेमनी। सिर्फ शहीद ही नहीं, उनके परिवार वालों ने भी कुर्बानी दी है, किसी अपने की कुर्बानी। इस सेरेमनी में उन्हें यहाँ बुलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का मान दिया जाता है। मरेंगे हम भी, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि मरे तो मौत मिले तो अच्छी मिले, तो मरने के बाद भी लोग हमको देखें, याद करें, क्योंकि एक भीड़ का हिस्सा तो पता नहीं कितने लोग होते चले गए, हमको पता ही नहीं है। 12 दिन 13 दिन लोग याद करते हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। आज जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है तो उस हर परिवार को संतोष होता है, अच्छा मेरे पूर्वजों ने
मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया था, मेरा देश उनको भूलता नहीं है, आज भी याद करता है। इस नेशनल वॉर मेमोरियल के बनने से हमारे शहीदों का नाम और उनकी वीरता का ब्यौरा हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगा। हमारे सोल्जर्स की तरह ही कुछ और लोग भी हैं जिनका एक ही मकसद है, देश को और हमें सुरक्षित रखना, हमारी पुलिस। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाकर इनके जीवन और बलिदान के बारे में हम जान सकें। Since independence, more than 35,000 police personnel have made the supreme sacrifice in the line of duty. हमारे इन्हीं प्रोटेक्टर्स को समर्पित है देश का नेशनल पुलिस मेमोरियल। इसके बीचों बीच बना 30 फुट ऊंचा ब्लैक ग्रेनाइट शिल्प पुलिस कर्मियों की स्ट्रेंथ और परसिस्टेंस को दर्शाता है, और इसके नीचे बहती 60 फुट नदी उनकी सेवा को। स्मारक के बेसमेंट में एक एग्जीबिशन सेंटर है उन वीरों को समर्पित जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। वॉल ऑफ वैलर में ऐसे 35,000 से ज्यादा वीरों का नाम अंकित है। बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस फोर्स में है, और मैंने बचपन से देखा है कि यार दिन हो रात हो दिवाली होली, उन्हें कभी भी कॉल आ जाए उनको भागना पड़ता है। जब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि यार उनके सेक्रीफाइस को, उनके एफर्ट्स के लिए कुछ किया जा रहा है, उनके मेमोरियल के लिए कुछ मतलब हम लोग बना रहे हैं, तो यार बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, मतलब बहुत खुशी होती है अंदर से। 2002 में अटल जी की सरकार ने जो सपना देखा था उसे साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में। आज पुलिस बेड़े से जुड़े उन हजारों शहीदों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। Imagine so many police officers have sacrificed their life guarding our rights and bringing us justice. I feel this is a great step in giving justice to their efforts. People should know about their supreme sacrifices. नया भारत किसी का गुलाम नहीं है, ये एक स्वतंत्र देश है जो सिर्फ लोकतंत्र की राह पर चलेगा। लेकिन शायद आज भी गुलामी की कुछ निशानियां हमारे जहन में रह गई हैं, जिन्हें निकालना जरूरी है। आइए आपको ले चलते हैं सेंट्रल विस्टा, जहां से पूरा देश चलता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक कोशिश है इंडिया की डेमोक्रेसी के सेंटर को वर्ल्ड क्लास बनाने की। इस प्रोजेक्ट में शामिल है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नेशनल म्यूजियम्स जैसे मॉन्यूमेंट भी। ये आईना होगा न्यू इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। यहाँ काम करने वाले पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स किसी पर राज नहीं करते बल्कि अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो फिर दिल्ली की सबसे इम्पोर्टेंट और पॉपुलर सड़क का नाम राजपथ क्यों हो? जॉर्ज द फिफ्थ के सम्मान में जिस सड़क को किंग्सवे कहा जाता था, हमने उसे राजपथ बनाकर ही खुशी मना ली, पर अपना माइंडसेट ना बदल पाए। इसीलिए पीएम मोदी जी ने इसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ करके हमारे मन से भी कॉलोनियलिज्म की एक बड़ी निशानी मिटाई। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। कि जो चेंजेस है ना, मतलब एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आई फील लाइक कि यहाँ पे मतलब जो आप रोड देखो या फिर आप सराउंडिंग देखो, इन्होंने ना सराउंडिंग के ऊपर और अपने रोड के ऊपर और मतलब बेसिकली बहुत वर्क करा है। इस एरिया में बेटर सिक्योरिटी सिस्टम्स, लॉन्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज और भी कई सारी अमेनिटीज डेवलप की गई हैं।
यहाँ पर आके जितना सुकून मिला ऐसे लगा यहाँ पर आके फील होता है कि हम भारत माता के हैं। Only when the blood of freedom loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. कर्तव्य पथ की दूसरी छोर पर इंडिया गेट के पास अब हमें देखने को मिलेगा 28 फीट लंबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू। इतिहास के इस मोड़ को तो समझिए कि जिस कैनपी को बनाया गया था किंग जॉर्ज के स्टैचू को लगाने के लिए, आज वही अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री की स्टैचू है जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। गुलामी की एक और निशानी मिटाते हुए नेताजी का ये स्टैच्यू एक मजबूत भारत और हमारे संकल्प का प्रतीक है। वो नेताजी ही थे जिन्होंने अंडमान को भारत का हिस्सा बनाया। उनके योगदान को उचित सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है और नया भारत इसे बखूबी निभा रहा है। वो कहते हैं ना, हर कहानी का अंत एक नई कहानी का शुरुआत होता है। शायद ऐसा ही कुछ होगा इस कहानी के साथ भी। ये कहानियाँ सुनकर शायद हम भी अपनी संस्कृति को एक नए नजरिए से देखेंगे, हमारी ऐतिहासिक धरोहर का महत्व बेहतर समझेंगे और हमारे वीरों के बलिदानों की कहानियाँ गर्व से सुनाएंगे। तो मेरे साथ इंडियन कल्चर की इन दिलचस्प कहानियों का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। भारत का इतिहास और इसका कल्चर इनवैल्यूएबल है। ये जितना विशाल है इसे सहेज कर रखना उतना ही जरूरी भी है और मुश्किल भी। बट व्हेन देयर इज ऑनेस्टी इन योर इंटेंट एंड स्ट्रेंथ इन योर कमिटमेंट तो कोई मुश्किल बड़ी कहां। आज पूरे देश को यह विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी का उठाया हुआ ये कदम पीढ़ियों तक हमारा सर गर्व से ऊंचा रखेगा। दिस इज अ जॉइंट स्टेप टुवर्ड्स ऑनरिंग आवर हेरिटेज हिस्ट्री एंड हीरोज एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जय हिंद।